हे गाइस, वेलकम टू स्टार के एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी सारी पिछली वीडियोस में कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स और ऑक्टल नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स, ये सब जो वीडियो बनाई थी। और उसके पहले मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपको बताया था। तो गाइज, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि हम आज पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। आज तो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज मैं आपको सिर्फ चार चीजें बताऊंगा, कौन कौन सी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो चलिए आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं गाइस, रिवीजन ऑफ द होल चैप्टर। आज मैं आपको चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूँ गाइस। तो हम पहले एडिशन पे कुछ सवाल लगाएंगे, बाइनरी एडिशन पे। तो हम पहले सवाल ले लेते हैं, कोई भी सवाल हम ले सकते हैं, बस वो सिर्फ वन और जीरो में होना चाहिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं 110110 प्लस 110 1, तो 110110 प्लस 1101 1101, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 1 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 1 कैरी की जगह हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। इसके लिखने का तरीका 1 0 0 0 0 1 1 2। तो गाइस, ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब चलिए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमने सवाल लिख लिया है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 1 0 1 1 प्लस 1 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
यहाँ पे लग जाएगा 1 + 1 = 0 0 1 1 1 + 0 1 1 + 1 = 0 1 कैरी 1 + 1 = 0 0 1 1 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 वाला 1 + 1 0 1 इधर कैरी लग जाएगा फिर 1 1 1 + 1 0 0 1 1 1 + 1 0 1 कैरी की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 स्क्वायर के इसे हम बेस कहते हैं। और बेस क्या होता है गाइस, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बेस वो होता है जो उस पूरे नंबर सिस्टम में जितने भी ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं उनकी काउंटिंग को हम बेस कहते हैं। तो अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस ये वीडियो स्किप मत करिएगा वरना आपका पूरा रिवीजन अच्छे से मैं करवा नहीं पाऊंगा। तो गाइस चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस 1 और 0 में होना चाहिए। 1 1 1 1 0 1 + 1 1 1 1 1 1 तो 1 1 1 1 0 + 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 मतलब कि 6 1 1 1 1 1 1 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 1 1 + 1 0। गाइस कई लोग इसे ऐसे भी कहते हैं 1 + 1 = 10 बट 0 यहाँ पे लिख के हम कैरी लगा देंगे तो 1 + 1 0 आप 10 भी कह सकते हैं। 1 + 1 = 10 1 कैरी 1 + 0 1 1 + 1 = 10 0 रिमाइंडर 1 कैरी 1 + 1 = 10 1 कैरी 0 0 1 1 0 + 1 1 1 यहाँ पे कैरी बच गया था इसका तो 1 1 0 0 1 1 ये 1 था यहाँ पे इसका कैरी लग जाएगा 1 1 0 0 1 1 यहाँ पे इसका कैरी था जो लग गया इस पे 1 + 1 0 0 + 1 1 और जो इसका कैरी बचा 0 1 + 1 = 0 वाले का तो इसको हम यहाँ पे उतार देंगे ऐसे ही
इसको हम कैसे लिखेंगे गाइस, 1 1 1 1 1 0 0। सो गाइस मैं तीसरा क्वेश्चन भी लगा लिया है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए हम सब्ट्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। सो गाइस मैं आपको रोज की रोज वीडियो देता हूँ, लेकिन मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही कुछ रीजंस की वजह से, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस चौथा सवाल है हमारा, कोई भी सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम ले रहे हैं। तो मान लीजिए हम ले लेते कुछ भी, 1 0 1 0 1 माइनस सब्ट्रैक्ट 1 1 0 1 1। तो वह पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। तो सब्ट्रैक्शन भी गाइस एकदम सिंपल मैथमेटिक्स की तरह ही है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है, बस इसमें हमें बोरो लेके उसको करना पड़ता है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 1 नहीं हो सकता है, तो ये बगल वाले से बोरो ले लेगा, तो ये बन जाएगा गाइस आपका 10, ये इस बन जाएगा आपका 0। तो 10 माइनस 1 क्या आता है, 1। 10 माइनस 1 ऑलवेज कम्स 1, 10 माइनस 1 ऑलवेज कम्स 1। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 बोरो लेगा, ये 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 हमारा। 10 माइनस 1 1, 0 माइनस 1, ये इसके बगल में कोई बोरो नहीं है, तो इसमें हम ले लेते कोई और नंबर ले लेते हैं हम, 1 और 0, एक नंबर और बढ़ा लेते हैं हम। तो इसके पहले ही हम इसे 10 बना देते हैं, इसे 0 बना देते हैं। 10 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। तो इसका आंसर क्या आ जाता है गाइस, 0 1 1 0 1 0 2। बेस में क्या रहेगा, 2, क्योंकि बाइनरी में कितने ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं, 2 0 और 1। तो गाइस इसीलिए इसका बेस 2 हो जाएगा। तो गाइस चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन लगाते हैं। गाइस होपफुली आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाती होंगी, आपने बेल आइकन दबा दिया होगा तो, और मेरी हर वीडियोस में आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ना समझ में आए तो आप, कोई भी दिक्कत आए तो आपको जरूर कमेंट करिएगा। मैं हर चैप्टर को खत्म करने के बाद एक रिवीजन सेशन चलाता हूँ, रिवीजन की पर वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस सब्ट्रैक्शन पे हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो 1 1 0 1 सब्ट्रैक्टेड बाई 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 1 1 0 1, 1 माइनस 1 0। एकदम सिंपल मैथमेटिक्स की तरह गाइस, एकदम सिंपल मैथ्स की तरह, 1 प्लस 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, जैसे यहाँ पे हुआ था 1 माइनस 1 0। हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स में भी क्या करते हैं, 1 माइनस 1 0 ही करते हैं, 1 माइनस 1 0। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 0 1 0, ब्रैकेट हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 0 0 1 0 बेस 2 टू द बेस 2। सो गाइस चलिए हम सिक्स क्वेश्चन लगाते हैं अपना। गाइस मेरी पिछली वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा, कन्वर्जन्स के ऊपर है, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। अगर गाइस आपको इस पे किसी भी रिलेटेड पे आपको वीडियो बनवानी है मुझसे, किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं आपकी हर कमेंट्स पढ़ता हूँ गाइस, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अपने बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, सब्ट्रैक्शन का तीसरा क्वेश्चन। 1 0 1 1 0 1 0, ये 0 1 से कब पीछा छुटेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गाइस, चलिए ये बहुत मजेदार है, तो इसे हम करते हैं 1 1 0 1 1 0 1। तो 1 0 1 1 0 1 0 माइनस 1 1 0 1 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का 1 1 0 1 1, इसे हम यहीं पे ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे, 1 1 0 1 1 0 1। यार कितने 1 1 है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत होइएगा, काम माइंड से लगाइएगा, कितने 1 1 है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। तो 0 1,
101 हम क्या कर देंगे, इसको हमें बोरो लेना पड़ेगा, तो 0 इसे बना देंगे हम, इसे 10 बना देंगे, इससे 1 लेके 10 बन गया। 10 माइनस 1 हमेशा कितना आएगा, 1। 0 माइनस 1 फिर से हमें बोरो लेना पड़ेगा, तो इसके पास तो है नहीं तो ये इससे मांग लेगा, तो ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10, लेकिन ये इसको दे देगा तो ये बन जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा आपका 10। 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 1, भूलिएगा मत गाइस। अब ये 1 माइनस 1 कर देंगे इसका तो 0 आ जाएगा। अब ये 0 माइनस 1 फिर से आ गया, तो अभी से हम कैरी हमें बोरो लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, चलिए यहाँ कहानी खत्म हुई। 0 माइनस 1 फिर से शुरू हो गई, 0 माइनस 1 इसको हमें कैरी लेना पड़ेगा इससे बोरो, तो ये बन जाएगा आपका 0, बन जाएगा आपका 10। 10 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 फिर से हमें कैरी लेना पड़ेगा गाइस, इसमें इसके बगल वाले में कोई नंबर नहीं है तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। गाइस मैंने थोड़ा सा गलत क्वेश्चन बना दिया, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, हमेशा ऐसे ही लिखेगा गाइस, 0 1 1 0 1 0 1 1। तो गाइस इसमें हम बेस 2 लगा देंगे, फिर से मैं बता दूं इसमें बेस 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 1 और 0 ही होते हैं, कब पाला पड़ेगा यार, किससे पाला पड़ेगा 1 0 1 0। चलिए हम 7, अब हम सब्ट्रैक्शन छोड़ के अब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो गाइस अब हमारा आ जाता है, ये हमारा 6th क्वेश्चन था तो हम 7th लगाएंगे, तो मल्टीप्लीकेशन अब आ गया है। मैंने आपको एडिशन का रिवीजन, क्विक रिवीजन और सब्ट्रैक्शन का क्विक रिवीजन करवा दिया है, अब हम मल्टीप्लीकेशन पे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन पे भी हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 1 0 1 इंटू 1 1 0 1, तो 1 1 0 1। पहले हम गए 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 1 1 1 1, एकदम गाइस एकदम प्योर, एकदम मैथमेटिक्स है ये, प्योर मैथमेटिक्स है, बस इसमें हमें बाइनरी वाला एडिशन लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो यहाँ पे क्रॉस, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, तो इसमें आ जाएगा हमें बाइनरी वाला एडिशन लगाना पड़ेगा, तो 1 ऐसे ही उतार देंगे, 0 1 1, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 1, कैरी, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 0 लिख के 1 कैरी, 1 प्लस 1 10, तो इसे हम डायरेक्ट 10 उतार देंगे क्योंकि इसके बगल में कोई नंबर ही नहीं है, तो इसे हम 1 0 0 1 1 1 2, बेस हमारा 2 आ जाएगा। तो अब हम 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, तो इसे हम 3 डिजिट का कर लेते हैं, 1 1 0 1 इंटू 1 1 1 1 1 0 1 इंटू 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 1 सब सॉल्व कर लेंगे, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 1, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, इसे हम चाहे 1 इंटू 1 कहिए आप, चाहे 1 1 जा भी कह सकते हैं, तो 1 1 जा 1 1 0 जा 0, ये गाइस इसमें 1 0 जा, यहाँ पे 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, 1 1 जा 1 1 0 जा 0, गलती हो गई, 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1, अब यहाँ पे 2 क्रॉस लग जाएंगे क्योंकि ये तीसरा डिजिट आ रहा है अब, तो 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, बाइनरी वाला एडिशन गाइस भूलिएगा मत, 1 0 प्लस 1 1 0 1 प्लस 1 1 प्लस 0 0,
1 + 1 0 1 carry 1 0 1 1 1 0 1 carry 1 1 0 0 1 1 1 plus 1 1 plus 1 देखिए 1 plus 1 0 0 plus 1 1 1 plus 0 1 तो यहाँ पे कैरी बचा था तो कैरी यहाँ पे लिख देंगे हम 1 plus 1 0 0 plus 1 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा 1 plus 1 0 यहाँ पे अगला नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं 1 0 1 1 0 1 1। गाइस इसका ये डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया है अभी, मैथ्स और बाइनरी एडिशन में क्या डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को आप दो तरीके से कह सकते हैं, 1 plus 1 0 लेकिन 1 carry, लेकिन आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1 plus 1 10 0 लिख के 1 carry। तो अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। शायद आपको इसको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं और अपने से क्वेश्चन बना भी सकते हैं। तो गाइज आपको अगर कोई भी दिक्कत आती हो, मैं फिर से बोल दूं कि आपको कोई भी दिक्कत आती हो जरूर कमेंट करिएगा। 9th क्वेश्चन है हमारा। अब तो इसमें हम ले सकते हैं कुछ भी, 1 1 1 1 1 पूरा 1 इंटू 1 1 1 1 सब 1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा गाइज, इसमें नोटिस करेंगे आप बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। 1 1 1 1 1 5 बार 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 जा 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 1। गाइस इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारे में 1 1 लिखते जाना है। 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1। अब ये हमारा तीसरा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 5 बार 1 5 बार 1 सब सेम ही आ जाएगा गाइस, क्योंकि सब नंबर सेम ही है। तो अब पहला डिजिट हो गया, दूसरा तीसरा, अब चौथा करते हैं हम। 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 जा 1 सब ऐड कर लेते हैं। बस इसमें एडिशन में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन कोई नहीं, मैं हूं ना। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही, फिर 1 1 1 plus 1 0 लेकिन 1 carry। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा अलग कंडीशन आ गई है। मैंने अपनी पिछली वीडियो वाले में नहीं बताया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीडियो में वो थोड़े से कम, मतलब मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिया था। तो अब मैं इस वाले में बता देता हूँ कि देखिएगा 1 plus 1 0 जाता है, तो 0 plus 1 1 फिर से 1 plus 1 आ गया। तो इसमें तो 2 carry हो गए, तो पहले 1 plus 1 का कैरी, 0 plus 1 0 plus 1 1 आ जाएगा, फिर 1 plus 1 1 का कैरी। तो 1 plus 1, पहले हम इसका आंसर लिख देते हैं पहले। तो 1 plus 1 0 0 1 1 0 plus 1 1 1 plus 0 और 1 plus 1 0। अब इसमें हम 2 carry लिखेंगे, 1 ये एक और ये एक। अब हमें क्या करना है, 2 carry आ गया है तो अब हमें पहले इन दोनों को जोड़ देना है। तो एक ही था तो हम इसे और इसे जोड़ देते थे, अब इसमें 2 आ गया है तो अब हम दोनों कैरी को ही आपस में जोड़ के फिर नीचे वाले को करेंगे। तो 1 plus 1 0 फिर 0 plus 1 1 1 plus 1 0 1 plus 1 0 आ गया यहाँ तक, 1 plus 1 0 0 plus 1 1 1 plus 1 0 0 plus 1 1 1 plus 1 0। गाइस जितने भी कैरी हो कोई टेंशन नहीं लेने का, बस सिर्फ डायरेक्ट करते जाइए। तो 1 plus 1 यहाँ पे एक कैरी हो गया आपका, 1 plus 1 carry, फिर 0 आ जाता है, 0 1 1 फिर से 1 plus 1 का कैरी, यहाँ पे सेकंड कैरी आ जाएगा आपका, सेकंड कैरी, फिर 1 plus 1 0 आ गया, 0 1 1 फिर यहाँ थर्ड कैरी आपका। तो इसमें 3 carry है, तो हम लिख देते हैं 1 2 3। गाइस ये बहुत ही आसान है, बस इसमें 1 1 1 1 करते जाना है, 1 1 1 1 करते जाना है आपको। बस 1 plus 1 0 इसमें एक एक लेवल पे कैरीज बढ़ते जाएंगे, 1 plus 1 0 0 plus 1 1 1 plus 1 0 यहाँ पे देखिए आपका 0 1 फिर से कैरी आ जाता है, 1 plus 1 0 0 plus 1 1 1 plus 1 0 तो यहाँ पे एक कैरी और आ जाता है, तो 0 plus 1 1 1 plus 1 0 फिर यहाँ पे एक तीसरा कैरी आपका आ जाता है, 0 0 plus 1 1।
तो हमें तीन कैरी लगाना पड़ेगा फिर से। यहाँ पे पहले आपका यहाँ एक कैरी, 1+1 0, फिर 0 1 1 1+1 0, फिर दूसरा कैरी 0 1 1 1+1 0, तीसरा कैरी 0 1 1। इसमें तीन कैरी आएंगे, इसमें भी 1 1 1। अब ये धीरे धीरे आप ऐसे जाते जाएंगे, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये सब सवाल लगाने की। गाइस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो 1+1 0, एक कैरी पहले हम यहाँ पे ऐसे नोट कर सकते हैं, आपकी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नोट कर लिया है। तो 1+1 0 0 1 1 1+1 0, फिर से कैरी, सेकंड कैरी यहाँ पे आ जाता है 1+1 0 0 1 1 1+1 0, फिर कैरी आ गया तीसरा। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं, 1+1 0 0+1 1 1+1 0 0+1 1 1+1 0। जीरो। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, 1 1 0 0+1 1 1+1 0 0+1 1 1+1 0, तीन कैरी इसमें भी 1 2 3 1 1 1, तीन बार कैरी इसमें भी हम लिख देते हैं। पहले हम आंसर ले आते हैं फिर कैरी भी देखेंगे। 1+1 0, एक कैरी आ गया आपका, हम नोट भी कर लेते हैं। 1+1 0 0 1 0+1 1 1+1 0, दूसरा कैरी, फिर 0+1 1, इसमें दो कैरी आ गए हैं, 1 और ये 1 1। 1+1 0 0+1 1, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। 1+1 0 0+1, फिर एक कैरी बच गया तो हम इसे कैरी लगा देंगे। गाइस जी बस दिखने में ही ऐसा लग रहा है बहुत हार्ड लगेगा आपको बाहर से देखते हुए, लेकिन ये है बहुत इजी। मैंने जैसे आपको सॉल्व करना सिखाया, आप इसी पे 1 2 3 क्वेश्चन आपको जितने मन उतने लगाइए, बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको ये फटाफट करते जाएंगे। मैंने आप धीरे इसलिए किया क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब चलिए हम 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब गाइस बहुत हो गए मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, अब हम चलते हैं थोड़े डिवीजन वाले क्वेश्चन पे भी। देखिए मैंने आपको एडिशन पे 3 क्वेश्चन लगाए, सब्ट्रैक्शन पे 3 क्वेश्चन लगवाए, मल्टीप्लिकेशन पे 3 क्वेश्चन लगवाए, ये तीसरा था। अब मैं आपको डिवीजन पे भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, देखते हैं कितने। पहले हम चलते हैं 2 डिजिट से, ये हमारा हो गया कितना क्वेश्चन, 10। तो अब हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस 10 होना चाहिए, 1010। गाइस आप देखकर बहुत आप कंफ्यूज हो गए, 1010 एकदम दिमाग खराब हो गया होगा, लेकिन आपको बस इसकी टेक्निक जाननी है फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। मेरी तरह काम माइंड से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग आप खराब मत करिए अपना। चलिए अब हम करते हैं, 1 0 1 डिवाइडेड बाई 1 1। तो अब हम इसमें भी सिंपल डिवीजन करना है गाइस हमको सिर्फ, और फिर हमें बाइनरी वाला माइनस कर देना है और कुछ नहीं। और इसमें सिर्फ हम वनजा ही जा सकते हैं, वनजा ही ले जा सकते हैं, 101। अब इसे हम कैसे ले जाएंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे तो 10 ही है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों नंबर ले लेते हैं, 0 लगा के तीनों नंबर ले लेंगे। तो इसमें सिर्फ वनजा ही जा सकते हैं, तो 11 11 11 माइनस कर लेते हैं इसको हम। यहाँ अगर आपके कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 1 -1 0, 0 - 1 हो नहीं सकता, तो हम इसे बोरो ले लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 0, ये बन जाएगा 10। लिखते नहीं है क्योंकि बहुत कचरा हो जाएगा फिर, 10 - 1 1 0, यहाँ पे ऐसे ही उतार देंगे। तो इसका गाइस 10 आ गया है, इसे हम डायरेक्ट रिमाइंडर मान लेते हैं क्योंकि हम इसे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये भी होता है, मैंने आपको ये वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अपनी डिवीजन वाली वीडियो में, वो शायद तीसरा क्वेश्चन था। तो अब चलिए हम करते हैं अपने 11th क्वेश्चन की ओर। गाइस पढ़ाई को आप एकदम भी बर्डन मत लीजिए, मजे लेकर करिए, मतलब अच्छे से एकदम बढ़िया आप उसको भी अच्छे से पढ़िए, लेकिन बस उसमें बीच में थोड़ा सा एकदम नहीं कि पूरा
एकदम 4 घंटे बैठ के पढ़ लिया हमने, 4 घंटे पढ़ लिया, और उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से किसी ने पूछा तो भूल गए। आप ऐसे करिए, 1 घंटा पढ़िए फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, तो गाइस इससे आपका थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। लर्निंग भी अगर आपको करनी है तो लर्निंग भी ऐसे ही करिए, और डिवीजन मतलब कुछ भी करना है तो बीच में आप ब्रेक जरूर लीजिए गाइस, वरना फिर आपका मतलब बर्डन हो जाएगा। आपको बर्डन बिल्कुल भी सही नहीं है हमारी सेहत के लिए, तो एकदम ब्रेक कर कुछ पढ़िए, एकदम पूरा करेंगे तो आप 1 घंटे, मान लीजिए आप एक दिन भी आपको याद रहा आप फिर भूल जाएंगे, तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर करिए। और पढ़ाई को आप बर्डन मत समझिए, ये भी हमारे जीवन में करना ही है, तो अच्छे से करते हैं, केयरलेसली करेंगे तो भी हम मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम केयरलेसली करते हैं तो हमें अच्छे से एकदम अच्छा मतलब कोई भी बर्डन नहीं लेना है, बस पढ़ाई है तो करनी है तो करनी है, वो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आप मतलब जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए हम करते हैं कुछ, 11th क्वेश्चन पे करते हैं हम कुछ, तो कोई भी नंबर ले लीजिए, बस 10। और गाइस आपको कोई भी समझ में ना आए कुछ भी किसी भी टॉपिक पे, मैं जैसे कंप्यूटर पे वीडियो बना रहा हूँ अभी तो फिलहाल, कंप्यूटर आज मतलब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बनाया हूँ, अगली वीडियो में मेरे आपको मैं बनाऊंगा कन्वर्जन्स पे, रिवीजन ऑफ कन्वर्जन्स, तो कन्वर्जन पे वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद तो मेरा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। तो फिर उस दिन आप मतलब आप कभी भी कमेंट कर सकते हो कि आपको इस पे वीडियो चाहिए, तो मैं आप उसको कंजेस्ट करके मतलब अपने से कुछ जुगाड़ लगा के मैं कर दूंगा, उस पे भी वीडियो बना दूंगा, मैं हर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस चलिए तो बढ़ते हैं, 1101 डिवाइडेड बाई 1010, हम 3 डिजिट लेते हैं पहले, तो 1101 1010। अभी से हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 110 है, तो 101 तो 110 से छोटा है, तो हम 3 नंबर में ही हो सकता है हमारा, तो 101, तो अभी से हम माइनस कर लेते हैं, 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, इससे हम बोरो ले लेंगे 0, ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 0। अब हम इसे ले लेते हैं 1 नंबर और, तो इसमें तो हमारा होगा नहीं, तो हम यहाँ पे इसे हम क्या है पहले यहाँ पे बोरो मिटा देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे गाइस इस वाले में मैंने नहीं किया था कैरी, क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होगी। गाइस मैंने आपको एक बात और बता दूँ कि इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन, QUOTIENT, क्वोशेंट। अब इसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंट, अरे सॉरी डिवाइजर, डिवाइजर इसे कई लोग डिविजर भी कहते हैं, मैं तो डिवाइजर कहता हूं। और डिविडेंट क्या होता है, डिविडेंट ये होता है, डिविडेंट डिविडेंट, और जो लास्ट में हमारा बच जाता है, जैसे ये था रिमाइंडर, रिमेंडर, मैंने ये भी बता दिया आपको। अब चलिए मैं इसे सॉल्व कर देते हैं पहले, इसे इरेज कर लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे हमारा 1 आया था 101 का, तो अब हम इसे ये करना है, 11 आ गया है तो 11 तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसे हम 0 लगा के एक और ले लेंगे, ये अब ये एक, तो ये तो छोटा है, ये बड़ा है 111 101 से, तो इसे हम 1 ला ले लेंगे, 101 101 101 0 101 101 0 0 0, सब 0 0, बस यहाँ पे आ गया आपका रिमाइंडर 10, ये भी रिमाइंडर आ गया है आपका, देखिए उसमें भी रिमाइंडर आया था, इसमें भी रिमाइंडर आ गया है। तो गाइस अब चलिए हम एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं 3 डिजिट पे ही, तो चलिए हम 12th क्वेश्चन लगाते हैं, 12th आप कुछ भी ले सकते हैं,
ट्वेल्थ हमको 1101 डिवाइडेड बाई 100 सब 1111 गए, इसलिए हम इसे अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो 100 बन जा 100, 100 -1 0 0 -0 0 1 -1 1 -0 1 1 -0 1 -1 0 अब यहाँ पे 1 आ जाता है, तो 101 है। तो अब इसे हम इसी से बाइनरी वाली सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने, तो अब हम 100 से फिर से इसे हम काट देते हैं। गाइस मैं एक बार और रिपीट कर दूँ, 0 -0 0 1 -0 1, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स में भी यही होता है, बस एक डिफरेंस होता है जब 0 -1 होता है। तो 1 -0 1 1 -1 0 1 यहाँ पे आ जाता है 101। तो 100 बन जा 100 हंड्रेड प्लस नहीं माइनस, तो 1 -0 1 0 -0 0 1 1 -1 0, तो इसका रिमाइंडर आ जाता है आपका 1, क्योंकि इसका 110, इसका भी गाइस जब सिंपल मैथमेटिक्स है तो 110 -100 करेंगे तो सिंपल मैथमेटिक्स में भी 10 ही आएगा ना, 10 आया है। और बस इसे सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ नहीं, बस एक डिफरेंस होता है 0 -1 जब आता है, बस उसमें बगल से बोरो लेना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा 10 और उसका चक्कर होता है, मैंने आपको बता ही दिया था इसमें इसमें या इसके पहले वाले में बता दिया था। तो गाइस आज की वीडियो यही खत्म होती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हिट लाइक करिएगा। गाइस आई नीड योर सपोर्ट, आप सपोर्ट दिखाइए अपना सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा हमारी। गाइस हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर लाइक किया करिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और हमारी उसके बगल में बेल आइकन होती है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।